इसमें ये उसके खिलाफ एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी फगुरम पुलिस को कि यहाँ कोई नकली नोट लेके चलाने के लिए आया हुआ है और किसी को दिया था शायद, वो चला रहा था। तो वो उसकी सूचना पर पुलिस वहाँ पे मौके पे गई है और उसको पकड़ी है और उसके जब तलाशी वगैरह किए हैं तो उसके पास से 50 रुपये के और 500 रुपये के नकली नोट मिले। और जब उसको बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने और बताया कि जो मैं स्वयं ही जाली नोट स्कैनर से स्कैन किया हुआ और प्रिंटर से निकालता है कागज़ का, और ऐसा वो खुद ही बनाता है, ऐसा उसने उस पुलिस को बताया। फिर उसको पुलिस लेकर गई उसके गांव पिहरीद में, उसके एक ठो खार में उनका वो बोर पंप लगा है उस घर में, वो वहीं छापता था। वहाँ पर वो ले जा करके एक कलर प्रिंटर और कलर कॉटरीज और लैपटॉप बरामद कराया है। तो उसके अतिरिक्त उसके पास से कुल 500 रुपये के 195 जाली नोट और 50 रुपये के 16 नकली नोट, कुल 98,300 रुपये मूल्य के बराबर के जाली नोट उससे बरामद हुए हैं। छपाई किए जाने में प्रयुक्त तो उसका लैपटॉप प्रिंटर स्कैनर एवं अन्य सामग्री जब्ती हुई है। और वो जो मोटरसाइकिल जिससे वो इस क्षेत्र में आया था नकली नोट लेके चलाने के लिए, वो मोटरसाइकिल भी उससे बरामद हुई है। और इसके आरोपी के ऊपर 489 क ख ग और घ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। आगे इसकी विवेचना की जा रही है। सर, ये आरोपी अकेले ही घटना को अंजाम देता था कि साथी? नहीं, इस वक्त ये अकेले था और वो बनाने वाला भी इसी से बरामद हुआ है उपकरण जो है। ये अपने और जिस तरह से पूछताछ में बताया और लोगों को ये किसी से उधार ले लिया, मैं कंप्यूटर की दुकान खोलूँगा करके कंप्यूटर खरीद के लिए वो लैपटॉप खरीद लिया। अब ये तो पता नहीं है उसका पैसा किस रूप में वापस किया, जाली नोट से वापस किया कि रियल नोट दे के किया। इस तरह से लोगों से उधार भी लेता था पैसा, ये उसका चलाने का ये तरीका था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2017 में थाना जयजयपुर से एक बार इसी फेक करेंसी फोर्ज्ड करेंसी के मामले में चार्जशीटेड हुआ है और इसका एक मामला जाली नोट से संबंधित और भी है न्यायालय में। For more information, log on to www.clips.in.